भारतीय अर्थव्यवस्था अभी इस समय मांग की भारी कमी की समस्या से लगातार जूझ रही है। ऐसे में इस बजट पे लोगों का काफी भारी ध्यान था। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2008 का जो मंदी की स्थिति थी उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही हालत में बनी हुई थी, जिसने मजबूती दी थी। लेकिन अभी के अर्थव्यवस्था में जहां हमारा शहरी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ है, वहां पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ है। सरकार ने 16 सूत्री कार्यक्रम बजट में घोषित किए हैं, लेकिन सरकार अभी भी बराबर दावा कर रही है कि 2022 तक में कृषकों की आय डबल हो जाएगी। क्या कृषकों की आय डबल होने की कोई संभावना है? सरकार ने 16 सूत्री कार्यक्रम अवश्य बनाया है, उसमें यहाँ तक की घोषणा की गई है कि कृषकों के उत्पादकों को अगर जरूरत होगी तो उसको हवाई जहाज से भी ढूंढा जाएगा, ट्रेन से भी किया जाएगा, उसके आधारभूत संरचना पर काम किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के लिए बातें कही गई हैं और सरकार कह रही है पीपीपी मॉडल काफ़ी सफल होगा इसके लिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण पहले ही 1,75,000 करोड़ के घाटे में है। प्राइवेट कंपनियां अभी आधारभूत संरचना में निवेश करने के लिए, जो मुख्य धारा की आधारभूत संरचना है उसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में निवेश नहीं करेंगी आज के डेट में। एक तो ये सच्चाई की स्थिति है। अगर भारत सरकार ने जो ये घोषणा की थी 2022 तक किसानों के आय को डबल करने के लिए, यह घोषणा 2016 में ही की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री ने अशोक दलवाई की कमेटी बनाई थी जिसने अनुशंसा की थी कि 12% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहने पर ही यह संभव है। अगर 2014 से 2019 के बीच में अगर हम लोग औसतन देखें, भारत का जो ग्रोथ रेट रहा वो 2.7% रहा और अभी अगर इसी आर्थिक समीक्षा में बताया जा रहा है कि 2.2% के आसपास हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है। तो अगर इस दृष्टि से ग्रोथ होता रहा तो किसानों के आय को डबल होने में लगेंगे कम से कम 97-98 वर्ष कम से कम लग जाएंगे। तो ऐसे में मेरे विचार में बजट में जो पूरे प्रावधान किए गए हैं उससे कहीं से भी किसी तरह से भी कोई संभावना नहीं है कि 2022 में किसानों के आय को डबल किया जा सके। उसके लिए जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में बराबर बातें की जा रही हैं, हम लोगों ने इसके पहले देखे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में या पहले भी पिछले साल भी प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कई बार घोषणा कर चुके हैं कि 25,00,000 करोड़ के कम से कम एग्रीकल्चर क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन इस बजट में उसकी भी कोई दशा दिशा हम लोगों को दिखती हुई नहीं दिख रही है। उल्टे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो मनरेगा, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, मनरेगा के भी बजट में कटौती हुई है। बहुत आश्चर्य और दुखद चीज है। इस समय जब सारे एक्सपर्ट्स सरकार को यह सलाह दे रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बजट को 75,000 करोड़ था उसको और बढ़ाया जाए, उसको पूर्ववत रखा गया और पिछले साल के 75,000 करोड़ में से केवल 54,000 करोड़ रुपया ही सरकार खर्च कर पाई है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के ट्रांसफर्स को भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ट्रांसफर जल्द से जल्द नहीं किया जाएगा तो ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफी गड़बड़ सी चीज है। इसलिए सरकार को इन सब मामलों पर त्वरित तौर पर ध्यान देना चाहिए। और 2022 तक में तो किसानों की आय डबल नहीं होगी, लेकिन कम से कम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ अच्छे ही काम हो जाए वही बहुत है। धन्यवाद।